निधि का क्या करूं? साथ में तो नहीं ले जा सकती। सो रही है तो सोने देती हूँ, एसी ऑन कर देती हूँ, सोती रहेगी। फोन गाड़ी में छोड़ा है, बच जाएगा तो मिथी उठ जाएगी, फिर रोएगी। नहीं कराती। मिथी, मिथी गाड़ी में नहीं है, मिथी कहाँ चली गई? मिथी, मीठी को स्कूल से लाने तुम गए थे ना? कहाँ है मीठी? मीठी बेबी ने कहा कि वो आयशा मैम से मिलने ऑफिस जाना चाहती है, इसलिए मैं ऑफिस ले गया। वहां से बेबी ने कहा कि वो आयशा मैम के साथ ही घर आ जाएंगी, इसलिए मैं वापस चला आया। दिमाग खराब है तुम्हारा? दिमाग खराब है? किसने तुमको बोला वहां छोड़ने के लिए बेबी को? बच्चे ने कहा और तुमने छोड़ दी उसको वहां? तुम्हें इन्फॉर्म करना चाहिए था, पूछना चाहिए था, माँ को पूछना चाहिए था, मुझे पूछना चाहिए था। खुद अपने डिसीजन से मत लिया करो। सर वो मैं आयशा मैडम के केबिन तक छोड़ के आया था अंदर, आयशा मैडम के पास। मुझे लगा मैम के साथ ही आ जाएंगी, इसलिए किसी को इन्फॉर्म करने की जरूरत ही नहीं। जाओ यहाँ से। फोन लगाओ। मिथी, आयशा मैम हेल्प मी। मिथी, आयशा मॉम हेल्प मी, आयशा मॉम हेल्प मी, आयशा मॉम हेल्प मी, आयशा मॉम हेल्प मी। आयशा का फोन फिर नहीं लग रहा, कब से ट्राई कर रहा हूं मैं, पता नहीं मीठी को कहां लेके चली गई। ऑफिस में भी फोन किया, वहां भी नहीं पता किसी को कहा। अगर उसे कुछ हुआ ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं आयशा। मानो कुछ नहीं होगा मीठी, आयशा बहुत प्यार करती है उसे, वो उसको देखेगी अच्छे से, वो बाहर कहीं ले गई होगी घुमा। प्यार? आयशा किसी से प्यार नहीं करती डैड, वो सिर्फ अपने से प्यार करती है। मुझे उस औरत पर बिल्कुल भी यकीन नहीं, अगर उसने मीठी को कुछ। मीठी आंखें खोलो। मीठी, क्या हुआ मीठी को? मीठी, मीठी आंखें खोलो। मीठी, मीठी, मीठी क्या हुआ आपको? मीठी आंखें खोलो, क्या किया तुमने मेरी बच्ची के साथ? हाँ माँ, मा, मा, देखो ना क्या हुआ इसमें। मानव, डॉक्टर को फोन करो, इसे मुझे दो। मीठी बेटा, मीठी बेटा आंखें खोलो। मीठी, मीठी पापा, वो मैं मीठी को प्लेग्राउंड में खिलाने के लिए लेकर गई थी, वहां तुम्हें किसने कहा था कि मीठी को बाहर ले जाए? मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरी बच्ची से दूर रहना। डैड, इस औरत का यकीन नहीं किया जा सकता, ये कुछ भी कर सकती है। आयशा तुम समझती क्यों नहीं? मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा साया तक मीठी पर पड़े। मीठी को मैंने नहीं बुलाया था, वो स्कूल से खुद ऑफिस आई मुझसे मिलने के लिए। खूब जिद कर रही थी कि उसे मेरे साथ ही टाइम स्पेंड करना। मैंने उसे बोला भी कि घर में लोग परेशान हो रहे होंगे, तुम ड्राइवर के साथ घर चली जाओ, लेकिन वो मान नहीं रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं उसे खिलाने के लिए ले जाती हूँ वहां पर। इसमें मेरी गलती? मुझे तुम्हारी कोई बात का विश्वास नहीं है आयशा। जब तुम समर को ड्रग्स का आदी बना सकती हो तो मीठी के साथ भी कुछ भी कर सकती हो। मानव, आप मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? अरे किसने क्या किया ये बात बाद में हो सकती है ना, पहले डॉक्टर को फोन करो।
डॉक्टर सिंह। हाँ गॉड, ये डॉक्यूमेंट्स मेरे हाथ में ही है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। किसी की नजर पड़ गई और इसके बारे में पूछ लिया तो मुसीबत हो जाएगी। कहाँ छुपाओ? शर्म नहीं आती ना तुम्हें? तुम जानती हो कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। चली जाओ आयशा, जस्ट लीव फ्रॉम हियर। ओके मानव, मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है, अगर आपको यही लगता है कि मुझे मीठी की फिक्र नहीं है तो मैं चली जाती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ मीठी की सलामती चाहती हूँ और कुछ नहीं। बेटा, गाइस, हमारी हीरोइन का लुक बिल्कुल भी फिल्मी नहीं होना चाहिए। इट हैज टू बी ऑथेंटिक। ओके, सो उसका मेकअप, उसका कॉस्ट्यूम, एवरीथिंग हैज टू बी डिफरेंट। क्या हुआ? एक्चुअली बस सोच रहा था कि हम लोग एक दूसरे को इतने अच्छे से जानते हैं, फिर भी पूरी तरह जान नहीं पाए। क्या मतलब? नहीं, इन अ गुड वे। जैसे किसी भी रिलेशन में अगर दो लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से जान जाते हैं तो उसकी सारी मिस्ट्री खत्म हो जाती है, राइट? तो वैसे अभी भी हमारे रिलेशन में वो मिस्ट्री है। लेकिन तुम तो मेरे बारे में सब कुछ जानते हो। तो कुछ नहीं, मैं तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रहा था, मतलब ट्राई कर रहा था। एक्चुअली समर, मैं तुम्हारी बात से अग्री करती हूँ। अब देखो ना, आयशा जी कितने सालों से तुम लोगों के साथ थी, लेकिन फिर भी उनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। तो इसलिए बोलो, मैं तैयार हूँ, जो पूछना है पूछो। क्या हुआ? पूरे रोमांस की ऐसी गम तैसी कर दी। मैं तुमसे ये कहना चाहता था कि तुम मेरे लाइफ में एक खूबसूरत पहेली की तरह। मैं तुमको क्या परखू जब तो मैं खुद को भी तुम्हारी नजरों से देखता हूँ। खैर छोड़, एंगेजमेंट रिंग का क्या सोचा तुमने? एंगेजमेंट रिंग? लेकिन आज ये तो पूरी जिंदगी का फैसला है ना। तो हम लोग ये फैसला ले चुके हैं। अगर ये सब चीजें नहीं होती तो हम लोग ऑलरेडी हमारे हनीमून पे होते आज। पूछा है क्या? तो भी पूछ लेते। समर लक्ष्मी, ये तुम्हारे आउटफिट्स हैं, सवारी ट्राई कर लो, इसको देख लो कि क्या फिटिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं। और रश्मि तुम भी। जी भाई। जी मैं अभी आता हूँ। कुछ इमरजेंसी है प्लीज। मैं आता हूँ। हुआ क्या? लेकिन हुआ क्या? भाई का फोन था, मिट्टी बेहोश हो गई थी। मैं भी साथ चलो। नहीं नहीं बाप, तुम लोगों का पहला रिहर्सल है, अच्छे से कर लो। मैं थोड़े टाइम में आ जाऊँ, तुम लोगों को इन्फॉर्म करता रहूँगा। फोन करना। हाँ प्लीज। देखिए, मैंने इनका पूरा चेकअप कर लिया है, चिंता की कोई ऐसी बात नहीं है। वैसे कोई फिजिकल प्रॉब्लम तो है नहीं। शी इज एब्सोल्युटली फिट। पर वो बेहोश क्यों हुई थी डॉक्टर? वेल आई थिंक शायद किसी बात से डर के कारण शॉक की वजह से बेहोश हुई होगी। शॉक? किस बात का शॉक? हाँ ये तो अब आपको मिथी ही बता पाएंगे। फिलहाल मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया, थोड़ी देर में उन्हें होश आ जाए। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। या वेलकम। हाँ
एक बार मिट्टी उठ जाएगी तो सबको बता देगी। कैसे क्या करूं? माला पुत्र सब सही हो जाएगा। आपने सुना ना माँ डॉक्टर ने क्या कहा? किसी शौक की वजह से बेहोश हुई है। पता नहीं आयशा ने उसके साथ क्या किया है जो इतना बड़ा शौक लगा उसे। आयशा को छोड़ूंगा नहीं। आयशा बेटा तुम ठीक हो? हाँ तुम ठीक हो ना? क्या हो गया था आपको? क्यों बेहोश हो गए थे आप? हाँ क्या हुआ? याद करो क्या हो गया था आपको? बाकी लोग क्या सोच रहे हैं उसकी मुझे चिंता नहीं है, लेकिन अगर मिथी मुझे इस तरह देखेगी तो शायद मेरा काम बन जाए। आप ठीक हो? मानो बेटा मैं कहना चाह रहा था कि मीठी बहुत छोटी है। जाहिर सी बात है कि वो अच्छे बुरे में फर्क तो नहीं कर सकती। अब वो तो यही समझेगी ना कि उसके मम्मी पापा में झगड़ा हो रहा है। हो सकता है कि डाइवोर्स की बात भी उसके कानों में पड़ी हो। मुझे लगता है कि बड़ों के बीच जो बातें हों वो छोटों के सामने जाहिर नहीं करनी चाहिए। और देखो ना कैसे वो उसके चुप्पी बैठी हुई। हाँ बेटा तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं, बच्चों को हर वक्त अपनी माँ की जरूरत होती है। आयशा को उससे अलग मत करो, वो बेचारी डरी हुई है मीठी। हमें लगता है उन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए। चलो सब ठीक है भाई। मीठी का आयशा भाभी से अटैच होना नॉर्मल सी बात है। आयशा माँ बुलाती है वो उन्हें। भाई अगर मीठी फिलहाल उनके साथ रहना चाहती है तो इसी में भलाई, उसकी खुशी अच्छी है। हमें तो सिर्फ मीठी की खुशी चाहिए। मीठी ठीक है अब? नहीं वो आयशा भाभी के साथ है। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन इस वक्त उसका आयशा भाभी के साथ रहना जरूरी है। अच्छा करण मैं वो रिहर्सल्स में वापस। यू गाइस प्लीज टेक केयर ऑफ मीठी, हम रिहर्सल्स कल कर लेंगे। थैंक यू। ठीक है ओके। गाइस आज के लिए पैकअप करते हैं, कल फिर से मिलते हैं। ऑलराइट पैकअप होते थे सेम। क्या हुआ सर? मीठी की तबीयत तो ठीक हो गई लेकिन समझ नहीं आ पा रहा है। ओके तुम ठीक हो? जी सर।
क्या हुआ लक्ष्मी? क्या हुआ सब? क्या अब पैर में मोच आ गई है? ओह गॉड, एक सेकंड सब आराम से। एक सेकंड आई एम सॉरी। नहीं ठीक है, मैं ठीक कर देता हूँ। बेटा मीठी कैसी है? वो ठीक है माँ, आयशा के साथ बैठी हुई है। चलो भगवान का शुक्र है ठीक। डैड लेकिन मुझे एक बात की फिक्र होती है। क्या? मीठी अगर आयशा पे डिपेंडेंट हो जाती है तो उसका आयशा के बगैर रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और आयशा इसी बात का फायदा उठाकर इस घर में बनी रहे। यो, आप तो जानते कितनी शातिर है वो। मानो देखो ये तुम्हारी और मेरी बात नहीं है, हमें मीठी के बारे में सोचो। मीठी अभी बच्ची है और फिर इस वक्त वो जिस दौर से गुजर रही है बहुत सेंसिटिव है आशा को लेकर, और फिर बच्चा धीमे धीमे कहीं और मन लगा लेता है। अभी जैसा चल रहा है उसे चलने दो। आप ठीक कह रहे हैं डैड। और हाँ डैड, एक बात कहना चाह रहा था आपसे। लो आओ, समर भी आ गया। अच्छा है, तुम्हारे सामने ही बात हो जाएगी। मीठी ठीक है अभी? डैड तो मैं ये कहना चाह रहा था कि एक शुभकामना जो बहुत दिनों से पेंडिंग है, अच्छा उसे मुझे ऐसा लगता है पूरा कर देना चाहिए। हाँ क्यों नहीं, समर और लक्ष्मी की शादी। अरे भाई वाह, वक्त आ गया है दोनों को एक बंधन में बांधने। अरे तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, ला रोटी दो। हाँ, लेकिन एक शर्त पर। वो क्या? इस बार पिछली बार की तरह छिपछिपा के शादी नहीं होगी। After all, मेरे भी कुछ अरमान हैं। हाँ क्यों नहीं? इतने टाइम बाद इस घर में हंसी की आवाज सुन रहे हो। सब तुम्हारी वजह से समर। बहुत सारी चीजें हैं जो पेंडिंग है, हमारी फिल्म, शादी। अब यार मैं सोच रहा था कि पहले एंगेजमेंट कर लेते हैं, फिर उसके बाद में फिल्म बनाएंगे, फिल्म रिलीज होने के बाद समर की शादी करेंगे। क्या ख्याल है? भाई ये तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई। लक्ष्मी के पापा और बुआ यहीं आजकल? हाँ जोधपुर में ही। आए हाय, इसे तो सारी खबर है अपने ससुराल की, कौन कितने हैं। मैं बात करती हूँ लोगों से। क्यों नहीं भाई, मानो तुमने बहुत अच्छा प्लान सोचा है। वेरी गुड। एक्चुअली डैडी करण का आइडिया। उसी ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि समर और लक्ष्मी की शादी के बारे में सोचा जाए। बड़ी अजीब बात है ना डैड, ये बहन सब गड़बड़ करने की कोशिश करती है और भाई उसे सुधारने की कोशिश कर रहा है। इनफैक्ट उसी ने समर और लक्ष्मी के लिए फिल्म लिखी है और कह रहा था कि शादी का भी पूरा इंतजाम वही करेगा। आई होप अब कोई गड़बड़ नहीं होगी। रुकावटें पैदा करने वाले को तो मैंने अपनी जिंदगी से ही निकाल दिया। Thanks. अच्छा है, रुकावट तो मेरे काम में नहीं आएगी। अब सब लोग शादी के जश्न में बिजी हो जाएंगे और मेरे काम में कोई दखल अंदाजी नहीं करेगा। ना मुझ पर किसी का ध्यान जाएगा, ना उस राज पर जिसे मैं राज रखना चाहती हूँ।